गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कन्वोल्यूशन थ्योरम। प्रीवियस क्लासेस में हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ अपन डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन कन्वोल्यूशन थ्योरम पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप लोगों को पता है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज कहाँ पे होता है, तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक कन्वीनियंट वे में अपन इजीली क्वेश्चंस को, लाप्लास इनवर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उसके लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, तो आज जो अपन लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉब्लम्स लेंगे वो किस पे बेस्ड होगी, कन्वोल्यूशन थ्योरम पे। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कोई भी लाप्लास इनवर्स का की प्रॉब्लम आपको दे दी और उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि सॉल्व यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो लाप्लास इनवर्स को अपन कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके ही अपन उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं आज अपन। प्रॉब्लम है आपके पास इवैल्यूएट लाप्लास इनवर्स यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, इवैल्यूएट द लाप्लास इनवर्स यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। लेकिन इसमें जो लाप्लास इनवर्स है वो फाइंड आउट करेंगे अपन यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर क्वेश्चन में आपको, अगर एग्जाम में अगर आपको ये नोट या आपको दिया हुआ है कि जो लाप्लास इनवर्स है वो फाइंड आउट करना है अपने को इससे कन्वोल्यूशन थ्योरम से, तो फिर आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही उसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल मेथड से, तो कन्वोल्यूशन से पहले अपने जो लाप्लास इनवर्स निकाले थे उसमें अपने कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज नहीं किया था। ठीक है, अब जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, (1)(s²)(2)(s²)+4), इसका लाप्लास इनवर्स अपन नॉर्मल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सवाल मैंने नॉर्मल मेथड बताया था आपको, तो इसका लाप्लास इनवर्स अपने नॉर्मल मेथड से भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, लेकिन अगर आपको सवाल के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है कि जो लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है वो किसकी हेल्प से करना है, आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से, तो अपने को जो भी लाप्लास इनवर्स दे रहा है, जो भी फंक्शन दे रहा है उसका जो लाप्लास इनवर्स है वो कन्वोल्यूशन थ्योरम की को यूज करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सवाल पर क्या है, कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या बताया था मैंने, कन्वोल्यूशन थ्योरम में मैंने बताया था कि कोई भी दो फंक्शन मिलेंगे अपने को। ठीक है, एक f बार s, दूसरा होता है g बार s। ठीक है, तो f बार s एंड g बार s इन दोनों के प्रोडक्ट का अगर अपन क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प लेते हैं। फॉर्मूला क्या निकल के आता था अपने पास, लाप्लास इनवर्स f बार s इंटू g बार s बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू। ठीक है, तो उसी जो कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो फेम फॉर्मूला है उसी के हेल्प से अपन इस लाप्लास इनवर्स की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम में अपने को दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो एफ बार एस एंड दूसरा जी बार एस। तो जो भी प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ से अपन एफ बार एस और जी बार एस या यहाँ से अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो एफ बार एस अपन क्या करते हैं, एफ बार एस इसको मान लिया अपने 1/s² इस फंक्शन के अंदर से 1/s² निकाल लिया अपने, इसको क्या मान लिया अपने एफ बार एस। सेकेंडली और क्या चाहिए अपने को, जी बार एस, जी बार एस और ये अपनी इच्छा से मान सकते हैं, पर आप इसको एक बार ऐसे मान सकते हो, इसको एक बार ऐसे मान सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगे उसको आप एक बार ऐसे मानो, जो आपको अच्छा लगे उसको जी बार ऐसे मानो। ठीक है, अगर आप इसको एक बार ऐसे मान लेते हो, इसको जी बार ऐसे मान लेते हो, तो उससे सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, वन अपॉन एस स्क्वायर को जी वाई एस का होगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। आप देखो इनका क्या लिखता हूँ मैं, इनका लाप्लास इनवर्स लेता हूँ, तो एफ वाई एस का क्या होगा लाप्लास इनवर्स एफ टी हो जाएगा, और जी वाई एस का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा जी टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एफ टी अगर मैं इस एफ बार एस का लाप्लास इनवर्स लेता हूँ तो एफ टी क्या होता है लाप्लास इनवर्स एफ बार एस, क्लियर है। तो लाप्लास एफ बार एस की वैल्यू क्या है वन अपॉन एस स्क्वायर, तो वन अपॉन एस स्क्वायर इसकी वैल्यू है एफ बार एस, तो एफ बार एस को वन अपॉन एस स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैं, वन अपॉन एस स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या होता है ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, वन अपॉन एस स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या होगा टी, क्या हो जाएगा टी, इसे अपन करने वाले के जो लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला बताया था मैंने साइन ए टी, तो इसका हो जाएगा साइन ए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर होता है, ए की वैल्यू हो जाएगी टू टी, ठीक है। टू क्या चल जाएगा, टू जो फॉर्मूला जो अपने लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था अपने साइन ए टी का, उसमें क्या होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां पे ऊपर ए आता है तो ए कहां चल जाएगा साइन टी अपॉन टू, ठीक है। अब करते हैं अब अपन ने एफ टी भी निकाल दिया और जी टी भी निकाल दिया, और कन्वोल्यूशन थ्योरम में अपने को एफ टी की भी जरूरत पड़ेगी और जी टी की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें अपन क्या करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, बाय बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास इनवर्स एफ बार एस इनटू जी बार एस, इसके इक्वल होता है इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू टी, इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू टी जी यू जी यू एफ टी माइनस यू, और ये यही इसका स्टेटमेंट है, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब इसमें भी देखो या आप जी यू की जगह एफ टी मान सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो आप जी यू माइनस यू भी कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखो क्या है जी यू एफ टी माइनस यू उस हिसाब से अपने को डिसाइड करना है ताकि अपने को इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बेसिकली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से अगर अपने को लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमें इंटीग्रेशन की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिना इंटीग्रेशन के हम लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कन्वोल्यूशन थ्योरम की, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज का बार बार यहाँ पे यूज होगा, इंटीग्रेशन के मेथड्स यहाँ पे यूज होंगे, तो इंटीग्रेशन आप लोगों का अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। आप देखो अब इसमें लगाते हैं जी यू एफ टी माइनस यू, इसमें क्या करेंगे अपन जी यू जी यू, तो जो अपना ये है जी माइनस है तो यहाँ पर टी की जगह क्या हो जाएगा टी की जगह यू कर देंगे, एफ एफ वाला क्या अपना एफ टी, एफ टी में टी की जगह क्या कर देंगे अपन टी माइनस यू, क्योंकि देखो एफ में टी को एफ में टी को किससे रिप्लेस करेंगे टी माइनस यू से, और जी जी टी में टी को किससे रिप्लेस करेंगे अपन यू से रिप्लेस करेंगे, ये मैंने अच्छे से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला जीरो टू टी जीरो टू टी वन बाई टू साइन टू यू जब टी किससे रिप्लेस कर देंगे उससे रिप्लेस कर देंगे, नीचे क्या है टू इस टू को ले लो बाहर तो ये वन बाई टू हो जाएगा, इसको अपन ने बाहर ले लिया क्या कॉन्स्टेंट है एफ टी माइनस टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन इस टी को किससे रिप्लेस कर देंगे टी माइनस टू से, ये क्या हो जाएगा टी माइनस टू और ये टी, क्लियर है। या तो अगर प्रॉब्लम किसी को ठीक है तो अपन ने कुछ नहीं किया यू को तो टी से रिप्लेस कर दिया, सॉरी जी टी में टी को यू से रिप्लेस कर दिया, और एफ टी में टी को टी माइनस यू से अपन ने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। अब देखो
इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, इसको आप क्या बोलते हो खंड से समाकलन बोलते हो। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या रहेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा उसके बाद ये अपना सेकंड हो जाएगा। अब इसमें चेन रूल जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है चेन रूल लगा देंगे, और चेन रूल लगा के अपन क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन को क्या है इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें चेन रूल लगाते हैं अपन, मैं इसको इधर कर लेता हूं ठीक है। तो ये
ठीक है आ गया अपना फाइनल एक बटा दो बार चल रहा है अपन क्या कर सकते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से लाप्लास इनवर्स की प्रॉब्लम्स को अपन क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं आपको, मैं उसमें करके बताता हूं इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप इसको करके देखना घर में, ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अपने पास अपने क्या करना है फाइंड आउट करना है, अपने पास फंक्शन है एस एच स्क्वायर प्लस वन एच स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस फोर, क्लियर है। ये हमने क्या दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है उसका क्या निकालना है आपको लाप्लास इनवर्स एस एच स्क्वायर प्लस वन एच स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कुछ नहीं है।
सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आप इसमें लगाना, उसको करके देखना, ठीक है। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है एक तरीके से आपका, इसको देखना और आप एप्लीकेशन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। इसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करने में, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इस एप्लीकेशन को आप इस फॉर्मूले की मदद से मुझे आप बताना कि आपसे इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रॉब्लम्स लेंगे, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, और भी जो नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्म पढ़ाए एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर को अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, फिर जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो भी वीडियो चल रहे हैं सारे यूजफुल हैं, अगर ये वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली वे में आपके समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलते हैं और कुछ आगे अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे फिर फर्दर डिस्कस करेंगे जो भी बचा हुआ पोर्शन अपना। ओके, थैंक यू।